आज हम दसवीं कक्षा की आठवीं रचना या आठवां पद्य गजल का अध्ययन करेंगे। यह गजल माणिक वर्मा जी ने लिखी है। अब सबसे पहले गजल क्या है? अब तक हमने कई सारी विधाओं का अध्ययन किया है, जिसमें पिछली ही कविता में हमने जापान की एक लोकप्रिय कविता हाइकू का अध्ययन किया था। हाइकू एक विधा है, उसी प्रकार गजल भी एक विधा है, जैसे कि कव्वाली, दोहे, प्रेरक गीत, मुकरिया, इस प्रकार गजल भी एक उर्दू विधा है। वैसे तो यह फारसी या अरबी से उर्दू में आ गई है। अब गजल क्या है यह हम देखते हैं। गजल, देखो, हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने की हिम्मत हम जुटा नहीं पाते, कुछ देखना चाहते हैं लेकिन देख न पाते, कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन सुन न पाते, और इस प्रकार इस वक्त हमारे मन में जो भी आंतरिक छटपटाहट चलती रहती है, वह सुनने की, वह देखने की, वह बोलने की, और इन सारी बातों की अभिव्यक्ति हमारे शब्दों में झलकती है, हमारे लिखान में झलकती है, उसी को गजल कहा जाता है। गजल यानी हमारे मन की वेदना या हमारे मन की भावना। गजल एक ही बहर और एक ही वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है। पहली जो पंक्ति है उस पहली पंक्ति को मतला कहा जाता है और दूसरी पंक्ति को मक्ता कहा जाता है। फारसी और अरबी भाषा में लोकप्रिय यह विधा है, वहां से वह उर्दू में आ गई है। अब हिंदी में, मराठी में भी इस प्रकार की कई सारी गजलों की रचना होने लगी है। तो यहाँ पर माणिक वर्मा जी ने जो भी गजल लिखी है, इस गजल से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा इस गजल के द्वारा माणिक वर्मा जी ने दी है। चलो हम गजल सबसे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसका भावार्थ हम देखते हैं। पहला ही शेर है, देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शोक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शोक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और अगर बैठे कहा तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वह आईना बनकर दिखो, आपको महसूस होगी तब हरेक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हरेक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के अंदर दिखो, जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहां पर दो पर है, एक पर यानी ऊपर है और एक पर यानी पंख है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, इस दुनिया की बाजार में बहुत सारी भीड़ है, इसलिए कवि कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। देखो, हम अपने आप को आईने में देखने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार कवि का कहना है कि मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति समाज में देखना चाहता हूं कि जिसे देखकर मुझे लगे कि अरे यह सही इंसान है, मुझे भी इसके जैसा बनना है। देखो बच्चों,
हम सबका कोई ना कोई आइडॉल होता है, हमारे सामने किसी ना किसी की एक छवि होती है, तस्वीर होती है। हम मन ही मन सोचते हैं कि अरे मुझे भी सचिन तेंदुलकर बनना है। लड़कियां सोचती है कि मुझे भी इंदिरा गांधी बनना है या किरण बेदी बनना है। तो किसी ना किसी की तस्वीर हमारे सामने होती है, उस तस्वीर में हम अपनी छवि को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम भी उसी प्रकार बनना चाहते हैं। तो इस कविता से, इस गजल से यही तो एक संदेश जो है वो मानिक वर्मा जी ने दिया है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं पहला शेर, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव का पत्थर दिखो। यहां सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे, स्वर्णिम शिखर। स्वर्णिम यानी सोने का या सोने के रंग का, शिखर यानी सबसे उच्च चोटी, नींव यानी इमारत का वह हिस्सा जिस पर इमारत खड़ी होती है, मराठी में हम उसे पाया कहते हैं। गर्द, गर्द यानी धूल या मिट्टी, मील का पत्थर यानी रास्ते पर खड़ा वह पत्थर जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगला शहर या अगला गांव यहां से कितनी दूरी पर है। शक्ल यानी चेहरा, जुगनू, जुगनू यानी छोटा सा एक कीटक जो चमकता है जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं। चलो हम आगे देखते हैं, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। देखो प्रत्येक व्यक्ति की नजर कहां पर होती है, तो दुनिया का सबसे उच्च कोटि का स्थान, उच्च कोटि की जगह जहां पर है वहां पर होती है। हम देखते हैं सामने तो हमें सबसे पहले नजर आता है वह शिखर जो काफी ऊंचा है, या नजर आती है वह इमारत जो काफी ऊंची है, और इमारत का वह हिस्सा, चोटी का, शिखर का वह हिस्सा जो सबसे ऊंचा है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह सोने के रंग जैसा चमकने लगता है, और इसी के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि हाँ मुझे अगर ऊंचा बनना है तो इस इमारत के तरह, इस शिखर के तरह मुझे ऊंचा बनना है, इतना ऊपर मुझे उठना है, समाज में मेरा नाम होना चाहिए। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि अगर मैं इस शिखर की तरह ऊपर उठता हूं तो समाज में मेरी शान बढ़ जाएगी, समाज में मेरी प्रशंसा बढ़ जाएगी, सारा समाज, सारे लोग मुझे यहां पर मेरी सराह करेंगे। तो इस प्रकार वह समाज में सम्मान पाना चाहता है। लेकिन कवि का कहना है कि भले ही तुम शिखर देख रहे हो, लेकिन वह शिखर कहां पर खड़ा है, तो नींव पर खड़ा है। जो भी यहां पर ईंटे हो या पत्थर हो जो जमीन के अंदर छुपी है, तो जमीन के अंदर छुपकर इन ईंटों ने, इन पत्थरों ने क्या किया है, तो इस शिखर को आसमान में खड़ा कर दिया है। अगर नींव के पत्थर को हम निकालते हैं, इन ईंटों को अगर हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह शिखर खड़ा ही नहीं हो सकता, वह अपने आप धाराशायी हो जाएगा। इसीलिए कवि का कहना है, मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हाँ अगर आपको कुछ बनना है तो जहां पर यह नींव के पत्थर है जो जमीन के अंदर अपने आप को गाड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार कुछ कार्य करो ताकि आपसे यह समाज हो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखो कवि इंसान से कहते हैं, हमें कहते हैं कि देखो तुम निरंतर आगे बढ़ना चाहते हो, अपना कार्य करना चाहते हो, कार्य करते वक्त तुम्हें ऐसा कार्य करना है, आगे बढ़ते वक्त तुम्हें ऐसे आगे बढ़ना है, नाम कमाते वक्त तुम्हें ऐसा नाम कमाना है जैसे कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो क्या होता है, इस आंधी तूफान के साथ यह जमीन की गर्द, यह जमीन की मिट्टी या जमीन की धूल आसमान में उड़ जाती है, और हम देखते हैं तो आसमान में ऊपर
चारों तरफ हमें केवल घर दी घर दिखाई देती है, मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, यानी वह पूरे माहौल में पूरे वातावरण में समा जाती है। उसी प्रकार कवि का कहना है कि अगर हम अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ऐसा नाम बनाओ कि जहां पर भी समाज देखे केवल तुम्हारा ही तुम्हारा नाम नजर आए, तुम्हारे ही कार्य की प्रशंसा चारों तरफ हो। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि का कहना है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। हाँ, और उसके बाद आगे चलकर कवि कहते हैं कि हमें बनना है तो गर्द जैसे बनना है, और अगर हम कहीं एक जगह पर बैठ गए तो भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना है, हमें ऐसे बैठे रहना है जिस प्रकार यह मील का पत्थर। मील का पत्थर क्या करता है, तो जो भी यात्री होते हैं उन यात्रियों को वह निरंतर मार्गदर्शन करता रहता है कि तुम्हें जिस मंजिल तक जाना है वह मंजिल यहाँ से कितनी दूर है, यानी वह उन यात्रियों का ढाढ़स बंधाने का काम करता है कि अरे भाई अब थोड़ा ही बचा है, अब हमें थोड़ा ही हम जब जाएंगे तो हमारी मंजिल आ जाएगी। तो उसी प्रकार यह मील का पत्थर क्या करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मंजिल कितनी दूर है वह दिखाने का प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार अगर हम एक जगह पर बैठ भी गए तो हम इस मील के पत्थरों के तरह मार्गदर्शक बने। हम तीसरा शेर देखते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहते हैं भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हम इंसान है, हम आदमी है, हमारा उद्देश्य हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सजना सवरना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आईने के सामने घंटों खड़ा होना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम बाहरी रूप से नहीं, हम अंदर से सुंदर हमारा रूप होना चाहिए। कवि का कहना है कि जिस प्रकार बाह्य व्यक्तित्व होता है किसी व्यक्ति का, उसका रंग उसका रूप यह केवल दिखावा है, अगर उसका मन अच्छा है, अगर उसके विचार अच्छे हैं, अगर उसका कार्य अच्छा है तो वह व्यक्ति सही मायने में सुंदर होता है। लोग बाहरी रूप नहीं देखते हैं बल्कि तुम्हारे विचारों को देखते हैं, तुम्हारे उसूलों को देखते हैं, तुम्हारे आदर्शों को देखते हैं। और इसीलिए कवि का कहना है कि बाहर का दिखावा देखने के लिए दिखना, यानी बाहर का दिखावा, यह बाहर का दिखावा जो भी है वह कुछ काम का नहीं है, आपको बाहरी रंग रूप से लोग नहीं पहचानेंगे, बल्कि आपके अंदर की जो बातें हैं, आपका मन जो है, आपके मन के कारण आपका वर्तन होता है। अगर आपका मन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपका वर्तन आपका व्यवहार भी अच्छा हो सकता है। और इसी के कारण कवि का कहना है कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, बाहरी रंग रूप कुछ काम का नहीं है, हमारे अंदर की जो बातें हैं वे सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, कवि का कहना है कि तुम कौन हो, आदमी हो, तो हमें आदमी बनकर दिखना है। आज हम देखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ राक्षस जैसा व्यवहार कर रहा है, हैवानियत से पेश आ रहा है, और इसी से कवि बहुत निराश हो गए है। कवि का कहना है कि अरे भाई तुम आदमी हो, तुम्हारी हरकत तुम्हारा व्यवहार आदमी जैसा ही होना चाहिए, हम यह क्यों भूल रहे हैं कि हम इंसान हैं और हमें इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना है, जानवर जैसा वर्तन व्यवहार हमें नहीं करना है। और इसी के कारण कवि ने यहाँ पर कहा है कि सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं है, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर आदमी बनकर दिखना है, इंसानियत से पेश आना है। एक इंसान अगर दूसरे इंसान के साथ इंसानियत से पेश आता है तो यहाँ पर जो भी कुछ बुराइयां है, जो भी कुछ यहाँ पर हिंसा हो रही है, जो भी कुछ यहाँ पर अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इंसानियत का जो नाता है उस इंसानियत के नाते से पेश आएगा, तो वह किसी पर अन्याय या जुल्म कर ही नहीं सकता। आगे देखते हम,
जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। अगले शेर में कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। हमारे जीवन में कई सारे संकट है, कई सारी परेशानियां है, कई प्रकार का दुख है। इस दुख के समय, इस संकट के समय हमें टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, हमें बिल्कुल ही मजबूत बने रहना है। कवि कहते हैं क्योंकि हमें चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग नजर आते हैं वो कैसे हैं, सब पत्थर दिल इंसान है, किसी के मन में भी दया के भाव नहीं है, और इसी के कारण हमारे संकट के समय हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर स्वयं मजबूत बनना है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हमें ऐसी घड़ी में बिल्कुल भी टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है। अगली पंक्ति में कभी कहते हैं कि पत्थरों के शहर में, पत्थरों का शहर जहां पर केवल पत्थर दिल जैसे इंसान रहते हैं, तो इस प्रकार जो कठोर हृदय वाले लोग हैं ऐसे लोगों के शहर में मुझे आईना बनकर दिखना है। आईना बनकर दिखना है यानी अच्छा आदमी बनकर दिखाना है, क्योंकि आईना क्या करता है, जो वास्तव है वह वास्तव ही दिखाने का प्रयास करता है। कोई अगर बहुत ही सुंदर इंसान है तो आईना सुंदरता दिखाएगा, कोई अगर थोड़ा सा काला है या जैसा भी है उसका रूप, तो उसी प्रकार ही आईना दिखाने का प्रयास करेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जहां पर केवल पत्थर दिल जैसे लोग रहते हैं ऐसे शहर में मुझे आईना बनकर दिखना है। आपको महसूस होगी तब हरेक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कवि कहते हैं कि मोमबत्ती का धागा सदैव मोमबत्ती का साथ देता है। जिस प्रकार धागा जलता जाता है, जल जाता है, उसी प्रकार मोमबत्ती भी पिघल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ नष्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों का तात्पर्य एक ही है, उनके जीवन का मकसद एक ही है कि स्वयं जलकर औरों को रोशनी देना। उसी प्रकार समाज में बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, समाज में बहुत सारे गरीब लोग हैं, समाज में बहुत सारे दीन दलित लोग हैं। कवि का कहना है कि हमारे जीवन का मकसद भी उस मोमबत्ती की तरह होना चाहिए, उस धागे की तरह होना चाहिए जो कि स्वयं जलकर औरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार हमारा कार्य उन पिछड़े लोगों के लिए होना चाहिए, उन गरीबों के लिए होना चाहिए कि जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, तो उसी प्रकार हम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमें सतत कार्यरत रहना है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर देखो। कवि कहते हैं कि जब जीवन में अंधकार या निराशा आ जाती है, चारों तरफ केवल असफलता ही असफलता नजर आती है, तो यह हमारा जीवन बिल्कुल ही अंधकारमय बन जाता है। ऐसे समय कहीं से भी कोई आशा की गुंजाइश, आशा की किरण नजर आती है, तो यह हमारे लिए जुगनू जैसा काम करती है, क्योंकि रात का जो अंधेरा है उस रात के अंधेरे को दूर करने के लिए जुगनू आता है। जुगनू यानी छोटा सा कीटक जो प्रकाश निर्माण करता है, जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं, तो उसी प्रकार वह जुगनू यहाँ पर छोटा सा है उसका जीव, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, तो रात का अंधेरा दूर करने का अपने ढंग से, अपने तरीके से प्रयास करता रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाला संकट दूर करने के लिए अगर कहीं से भी छोटी सी किरण नजर आती है आशा की, तो वह हमारे जीवन में जुगनू का काम देती है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। कवि कहते हैं एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, सभी मनुष्य को समाज में रहने के लिए कुछ ना कुछ सीमाएं बनी है, कुछ ना कुछ नियम बने हैं। हम जिसे संस्कृति कहते हैं, तो यह संस्कृति हमें क्या बताती है, संस्कृति ही हमें जीवन जीने के लिए कुछ नियम बनाती है, बताती है, जीवन जीने का तरीका बताती है। तो उसी प्रकार संस्कृति से कुछ सीमाएं, कुछ बंधन हमारे जीवन में बंध जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस समाज में कुछ ना कुछ सीमाएं
बनाई गई है, हम इन सारी सीमाओं का, इन सारे नियमों का पालन करते हैं। जब हम इन सारे नियमों का पालन करते हैं, हम अपने संस्कृति के तहत वर्तन करते हैं, तो समाज हमें इज्जत देता है। अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, समाज की और इज्जत हमें पानी है, हमारा नाम समाज में और ऊंचा करना है, रोशन करना है, तो हमारा कार्य उस मोती जैसा होना चाहिए जो सीप के अंदर जन्म लेता है। उसी प्रकार अगर हम महानतम कार्य करेंगे, उच्चतम कार्य करेंगे, तो जिस प्रकार मोती की लोग लालसा रखते हैं, उसी प्रकार हमारी भी लालसा समाज को हो जाएगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर। देखो देखो, कली का रूपांतर फूल में होता है, लेकिन उस कली को एक डर है कि तितली कहीं से आएगी और उसका रस चुपते चुपते वह उसे परेशान करेगी, और इस डर से वह कली खिलना ही नहीं चाहती है, वे कली ही बने रहना चाहती है। लेकिन कवि का कहना है कि इस प्रकार यहां पर अगर प्रत्येक कली ने खिलने से इनकार कर दिया, तो यह बगीचे की, इस डाली की सारी जो सुंदरता है, वह सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार यह तितली फूल के जीवन में या कली के जीवन में परेशानी बनकर आती है, संकट बनकर आती है, तो हमें उस तितली को नष्ट करना है जो दूसरों के जीवन में संकट बनकर आते हैं। तो ऐसे संकटों को हमें यहां पर नष्ट करने के लिए काम करना है। जब यह तितली नहीं रहेगी तो कली खिलने के लिए सतत तैयार रहेगी, और उसी प्रकार यहां पर समाज में जो भी पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए हमें सतत प्रयास करने हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। कवि कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का सागर है, यहां पर जितनी भी सारी भीड़ है, इस भीड़ में मुझे कई सारे अनगिनत जाने अनजाने चेहरे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसमें तुम नजर आओ। अब देखो, कवि की इच्छा है कि मैं समाज के इस भीड़ को देखता हूं, समाज की इन लोगों को देखता हूं, तो मुझे बहुत सारे जो चेहरे हैं वो ऐसे नजर आते हैं कि जो बुरे हैं। लेकिन कवि का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में मुझे भगवान ही भगवान नजर आना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक इंसान में भगवान कब नजर आएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति का वर्तन और व्यवहार दूसरों के साथ इंसानियत का होगा, क्योंकि भगवान कहां पर निवास करते हैं, तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। और अगर हम यहां पर इसी प्रकार इंसानियत से दूसरों के साथ पेश आते हैं, इंसानियत का वर्तन व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो कवि का कहना है तब मुझे सारे समाज में, सारे संसार में, जहां पर भी मैं देखूं वहां पर मुझे केवल भगवान ही भगवान नजर आएगा। तो इसी प्रकार इस गजल के माध्यम से कवि माणिक वर्मा जी ने प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।